नमस्कार दोस्तों, आइए मैं इस वीडियो सीरीज में ऑप्शन की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा, रिकैप में आपको बता देता हूं। रिकैप में मैं बहुत छोटा रिकैप रख रहा हूं आज, क्योंकि वीडियोस धीरे धीरे हमारे बड़े हो गए हैं। पिछले चार वीडियोस आ गए हैं, चार वीडियोस का रिकैप करना बड़ा टफ है, बहुत छोटा रिकैप रख रहा हूं। अभी तक हमने पढ़ लिया है कॉल पुट का प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है, मोटे मोटे तौर पे हमने प्रीमियम को पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं उनको प्लीज जरूर देखिएगा। अदरवाइज चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपको ऐसा लगेगा कि यार कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि आपने वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 नहीं देखा है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं। ऑप्शन ट्रेडिंग में देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच चेंज द वैल्यू ऑफ द प्रीमियम। तो अभी तक हमने एक प्रीमियम को स्टडी कर लिया है। दूसरा हमने जो स्टडी कर लिया है वो स्टडी कर लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑप्शन ट्रेडिंग, डेल्टा। डेल्टा को हमने पूरा का पूरा स्टडी कर लिया है। क्या है डेल्टा? मान लीजिए आपने कोई भी कॉल लेकर रखा हुआ है और मान लीजिए उस कॉल का डेल्टा है 50 या 55.55। इसका सिंपली मतलब ये है कि जब आपका स्टॉक 1 रुपीज से इंक्रीज होगा तो आपका कॉल 55 पैसे से इंक्रीज हो जाएगा, ये इसका मतलब है। अब बात आती है कि अगर मेरा स्टॉक पहला 1 रुपया इंक्रीज हुआ तो मेरा कॉल 55 पैसे हुआ, अगला 1 रुपया अगर कॉल इंक्रीज होगा, स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा, तो क्या कॉल फर्दर 55 पैसे ही इंक्रीज होगा या अब की बार कुछ ज्यादा इंक्रीज होगा? मतलब जैसे जैसे आपने कोई भी स्टॉक लिया, आपने कोई भी स्टॉक लिया है और लेट से आपने एक पर्टिकुलर कॉल लिया है, मान लीजिए स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी 2000 रुपए और आपने 2050 रुपए वाला कॉल लिया है, तो क्वेश्चन ये आता है कि जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा कॉल आउट ऑफ द मनी से इन द मनी की ओर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे स्टॉक का प्राइस 2000 से 2050 पे जाएगा ये एट द मनी पे आ जाएगा, जैसे ही एट द मनी से ये और प्राइस बढ़ेगा 2100 हो जाएगा तो मेरा ये कॉल ऑटोमेटिकली इन द मनी के अंदर आ जाएगा। और हमें पता है कि आउट ऑफ द मनी के डेल्टा लेस देन 0.5 होते हैं, एट द मनी के डेल्टा 0.5 होते हैं और इन द मनी के डेल्टा ग्रेटर देन 0.5 होते हैं। इसका मीनिंग क्या है? ये लेस देन 0.5 से 0.5 एंड देन 0.5 से ग्रेटर देन 0.5 कैसे चेंज हो रहे हैं, कौन सा वो फैक्टर है जो डेल्टा में चेंज ला रहा है? आइए दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करते हैं सेकंड फैक्टर विच इज नोन एज गामा। गामा को इंग्लिश में हम इस तरीके से GAMMA ऐसे लिख सकते हैं एंड लेटर में रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरीके से करते हैं। गामा, गामा डिफाइन क्या करता है? आइए सबसे पहले देखते हैं कि गामा डिफाइन क्या करता है। गामा ये डिफाइन करता है, गामा की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। डेल्टा के अंदर किस तरीके से चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्टॉक प्राइस। चेंज इन स्टॉक प्राइस में चेंज आने से डेल्टा में कैसा चेंज आएगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं, 1 रुपया स्टॉक प्राइस को बढ़ने पर या घटने पर, जो भी, कॉल है तो बढ़ने पर, पुट है तो घटने पर, 1 रुपया स्टॉक प्राइस के चेंज होने में डेल्टा में कितना चेंज आएगा, डेल्टा में चेंज, उस चेंज को दिया जाता है नंबर गामा से। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं इसको डिटेल में कैसे। लेट से मैंने ये कह दिया कि गामा है 0.04। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गामा उस पर्टिकुलर कॉल का या स्टॉक का 4% गामा है। इसका क्या मीनिंग है, आइए इसे समझते हैं। तो मान लीजिए कि कोई स्टॉक 60 रुपीज का है और वो 60 से 61 होता है और लेट से वो 61 से 62 होता है, तब हमें ये जानना है मान लीजिए कि इसका डेल्टा कैसे चेंज होगा। तो डेल्टा इसका कैसे चेंज होगा, लेट से
लेट से आपने कोई कॉल लीके रखी हुई है, कोई भी कॉल, चाहे वो इन द मनी की है, चाहे वो आउट ऑफ द मनी की है, चाहे वो एट द मनी की, कोई सी भी कॉल है, लेट से उसका डेल्टा यहाँ पर 0.5 डेल्टा है उसका इनिशियली, एंड सिंस इसका गामा जो है, गामा है 0.04, तो हमें क्या एक्सपेक्ट है, क्योंकि हमें गामा क्या डिफाइन करता है, गामा ये डिफाइन करता है स्टॉक प्राइस अगर एक रुपया बढ़ेगा तो गामा 4% होने की वजह से उसका डेल्टा 4% बढ़ जाएगा। मीनिंग क्या है, अगर डेल्टा 0.5 है तो यहां पर डेल्टा एक्सपेक्टेड 0.54 हो जाएगा, और सिंस आगे भी हम गामा को 0.04 रख रहे हैं, क्योंकि गामा क्या है, कांस्टेंट फैक्टर हो गया, 61 से 62 जाने में भी 0.04 बढ़ेगा, सो डेफिनेटली यहां पर हम डेल्टा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहां पर डेल्टा हम 0.58 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से डेल्टा एक्सपेक्ट होता है, ओके, बट हमें डेल्टा नहीं, हमें तो ये जानना है कि कॉल का प्राइस कैसे चेंज होगा। सो लेट से इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, जो भी आपने कॉल लिया है उसका इनिशियल प्राइस यहां पर 3 रुपए का था जब आपका स्टॉक 60 रुपीज का था, अब मान लिया जाए वो 60 से 61 गया है, तो आपको क्या एक्सपेक्ट है कि आपका प्राइस 60 से 61 जाने पे कितना होगा, क्योंकि अभी तक के वीडियोस के हिसाब से हमने क्या देखा कि भाई डेल्टा 0.5 है तो इसका प्राइस 3.5 होगा। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज, सिंस यहां पे डेल्टा 0.5 है और यहां डेल्टा 0.54 है, सो व्हाट इज द एवरेज डेल्टा, एवरेज डेल्टा इज 0.52, सो व्हाट इज द प्राइस वी एक्सपेक्ट एट 61, वी एक्सपेक्ट द प्राइस एट 61 इज 3.52। ओके, नाउ इफ द स्टॉक प्राइस इज अगेन, लेट्स से ये अगेन बढ़ता है 61 टू 62, सो व्हाट इज द डेल्टा हियर, डेल्टा हियर इज 0.54 एंड व्हाट इज द डेल्टा हियर इज 0.58, व्हाट इज द एवरेज डेल्टा बिटवीन दीस टू इज 0.56, सो व्हाट इज द कॉल प्राइस यू एक्सपेक्ट हियर, यहां पे आपको कॉल प्राइस कितना एक्सपेक्ट है, 3.52 प्लस 0.56 मीनिंग 4.08, दिस इज द प्राइस यू एक्सपेक्ट। अगर हम अपनी पुरानी थ्योरी लेके चलते, पुरानी थ्योरी में क्या कहती है, जो हमने अभी तक 4 वीडियोस में पढ़ी, वो थ्योरी हमें कहती है कि डेल्टा 0.5 है तो अगर मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 2 रुपए बढ़ेगा तो हमारे कॉल का प्राइस 1 रुपया बढ़ेगा, इसका मतलब हमें ये एक्सपेक्ट था कि 3 से 4 रुपए हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 रुपए के चेंज में ही वो 4 ना होके 4 रुपए 10 पैसे हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मान लिया जाए आपने टाटा मोटर की एक कॉल ली है, 5700 का उसका लॉट साइज है, 10 पैसे का फर्क 570 रुपए का फर्क बन जाता है, इसलिए ये चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब समझेंगे कि गामा क्या होता है, एट द मनी पे गामा कितना होता है, क्या हमेशा 4% फिक्स होता है, वो चीजें हम सीखेंगे, एट द मनी पे गामा कितना होता है, इन द मनी पे गामा कितना होता है, आउट ऑफ द मनी पे गामा कितना होता है, अभी तो हम उसको समझ रहे हैं कि उसकी कैलकुलेशन है कैसी। मान लीजिए अब आपके कॉल का प्राइस, आपका स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू हो जाता है तो उसका इफेक्ट कैसे होगा, मान लीजिए 60 रुपीज पे जब था स्टॉक तब आपने कोई कॉल लिया, कोई भी कॉल, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी, कोई भी कॉल आपने लिया, और लेट से थोड़ी देर बाद वो स्टॉक 59 का और लेट से थोड़ी देर बाद वो स्टॉक 58 रुपीज का आ जाता है, ओके, एंड लेट से जब आपने वो कॉल लिया उस कॉल का डेल्टा 0.5 रुपीज था, 0.5 था, 50% डेल्टा था, एंड लेट से अगेन द गामा इज, लेट से उसका भी गामा 0.04 था, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्योंकि प्राइस गिर रहा है तो डेफिनेटली यू एक्सपेक्ट कि यहां पे डेल्टा गिरेगा, तो जैसे ही डेल्टा गिरेगा तो डेल्टा कितना बचेगा यहां पे 0.46, और नेक्स्ट 1 रुपया अगर स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो अगेन गामा चूंकि यहां पे 0.04 का है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट 0.42। अब कॉल प्रीमियम का प्राइस आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, तो लेट से प्रीमियम का प्राइस है 3 रुपीज, तो यहाँ पर एवरेज डेल्टा आपको निकालना पड़ेगा, एंड एवरेज डेल्टा इज व्हाट 0.48, व्हाट कॉल प्रीमियम डू यू एक्सपेक्ट हियर 2.52, अगेन व्हाट इज द एवरेज डेल्टा इज 0.44, तो 2.52 में से अगर आप 0.44 यानी कि 44 पैसे फिर से घटाएंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, यू एक्सपेक्ट 2.08, सो आपका जो कॉल का प्रीमियम है वो 3 रुपए से 2.08 मतलब लगभग 2 रुपए 10 पैसे होगा, ना कि एग्जैक्टली 2, इस तरीके से गामा रोल करता है, प्ले अपना।
अपना रोल प्ले करता है। ओके, यही चीज हम पुट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पुट में भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई पुट लिया है और स्टॉक का प्राइस 60 से 61 एंड देन 61 से 62 जाता है, और मान लीजिए इनिशियली डेल्टा यहाँ पर 0.4 था और मान लीजिए गामा अभी भी 0.04 था। सो जब जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो गामा यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो क्या होगा, गामा का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है और आपने पुट लेके रखा हुआ है तो आपका पुट का प्राइस डिक्रीजिंग एक्सपेक्टेड है, इसलिए डेल्टा क्या होगा, डेल्टा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा कितना आएगा, यहाँ पे डेल्टा आएगा 0.36, एंड अगेन फिर से चूंकि गामा 0.04 ही है तो यहाँ पे आपको कितना एक्सपेक्टेड, यहाँ पे आपको है 0.32 एक्सपेक्ट डेल्टा की वैल्यू। क्यों एक्सपेक्ट है, क्योंकि आप फार आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं, क्योंकि आपने 60 पे मान लिया जाए उस समय आपने पुट लिया है और प्राइस 61-62 हो गया है, तो डेफिनेटली आप आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं, और आप अगर आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं तो डेफिनेटली डेल्टा उसका घट जाएगा। ओके, अगर डेल्टा घट जाएगा तो व्हाट विल बी द पुट प्रीमियम, पुट प्रीमियम लेट से यहाँ पे आपने 2.25 का खरीदा था, व्हाट इज द एवरेज डेल्टा हेयर, इट्स ए 0.38 नेगेटिव, इफ इट्स ए 0.38 नेगेटिव व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हेयर, यहाँ पे आपका जो प्राइस आ जाएगा वो 1.87 आ जाएगा, और व्हाट इज द डेल्टा एवरेज हेयर, -0.34, सो इसका मतलब 1.87 में से 34% मतलब एक रुपया बढ़ा है तो 34 पैसे उसमें घटेगा, तो 1.87 का 34 पैसे अगर घटता है तो 1.53 will be the your final put price when the stock will increase by 2 rupees if the gamma is 0.04 and if the delta is 0.4 when you have taken that put। ये इसका मीनिंग हो गया। मान लीजिए आपका प्राइस आपकी डायरेक्शन में चल रहा है, ओके, आपकी डायरेक्शन में चल रहा है, तब हमें क्या गामा एक्सपेक्ट है, मान लीजिए 62-59 एंड लेट से 59-58 हो रहा है, मान लीजिए प्राइस डाउन हो रहा है, एंड देन आपको एक्सपेक्ट है कि आपके पुट का प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, और लेट से जब आपने लिया तब डेल्टा 0.4 था, -0.4, एंड लेट से गामा अभी भी 0.04 के आसपास है, तो यहाँ पे आपको कितना एक्सपेक्ट है, यहाँ पे आपको -0.44 और यहाँ पे कितना -0.48 आपको एक्सपेक्टेड है, एंड लेट से पुट का प्राइस आपने 2.25 रुपीज में ही लिया है, व्हाट पुट प्राइस यू एक्सपेक्ट हेयर। तो सिंपल है, अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ पर आपका डेल्टा कितना हो गया, -0.42, मीनिंग आपका डेल्टा 0.42 का है, मतलब क्या है कि अगर स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा, कितने परसेंट से, 42% से, तो कितने रुपए गिरा है स्टॉक का प्राइस, एक रुपए स्टॉक का प्राइस गिरा है, तो आपको कितना एक्सपेक्ट है इंक्रीज होना, 42 पैसे, मतलब 2.25 का 42 पैसे मतलब 2.67 यहां पे आपको मिलेगा, और अगर 0.44 और 0.48 मतलब डेल्टा एवरेज कितना आ गया, 0.46 नेगेटिव, मतलब एक रुपया फर्दर चेंज होने से पुट कितना बढ़ेगा। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन यही शो करता है कि स्टॉक का प्राइस तो एक रुपया गिर रहा है लेकिन पुट बढ़ रहा है, क्योंकि हमें पता है पुट उसके रिवर्स काम करता है, हमने 1, 2, 3, 4 लेक्चर्स में ये देखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, सो 2.67 से अपना प्राइस कितना हो जाएगा, जब 2.67 के अंदर मैं 0.46 को ऐड करूंगा, सो द आंसर विल बी 3.13। व्हाट डज इट मीन, कॉल का स्टॉक का प्राइस 2 रुपए गिरने से हमें इनिशियली क्या एक्सपेक्ट था, हमें इनिशियली अपने 4 वीडियोस के हिसाब से क्या एक्सपेक्ट था कि डेल्टा जो है वो 0.4 है, तो इसका मतलब लगभग 80 पैसे का उसके अंदर चेंज आएगा, तो जो 2.25 का लिया था उसमें 80 पैसे हम अगर और जोड़ दें तो ये लगभग हमारा 3.05 आता है, जबकि आता है वो 3.15, मीनिंग गामा का बहुत बड़ा इफेक्ट है। गामा से हम ये पता लगा सकते हैं कि डेल्टा किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गामा किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्या मैंने इन द मनी का लिया और मैंने एट द मनी का लिया, और क्या मैंने आउट ऑफ द मनी का अगर कोई लिया कॉल या पुट, तो क्या सबका गामा 0.04 होता है या सबका गामा अलग अलग होता है। जब हमें ये पता चलेगा कि सबका गामा अलग अलग होता है, देन हम स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि ओके हमें एट द मनी का लेने में फायदा है या हमें आउट ऑफ द मनी का लेने में फायदा है या हमें इन द मनी का लेने में फायदा है। हम तो बस जस्ट रैंडम लिए जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें किसी दोस्त ने कह दिया कि ट्रेडिंग करनी चाहिए, मैंने तो डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है, तूने क्यों नहीं खुलवा रखा, हमने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। यकीन जानिएगा दोस्तों,
पैसा कमाना या खोना एक अलग चीज है। आप हो सकता है आज भी पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितना चीजों को लर्न करने के बाद पैसा कमाने में होगी। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, आपको ये लगेगा कि यस ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ये मुझे आती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपके लाइक आपके सब्सक्रिप्शन ही मेरी एनर्जी है। मैं कोई सभी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, प्योरली एजुकेशनल पर्पस से वीडियोस बना रहा हूँ। आपको अगर अच्छे लगे प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।